यह जो जमीन आप देख रहे हैं, दरअसल गर्दाना ग्राम पंचायत के मालनखेड़ी ग्राम पंचायत की चरणोट भूमि है, जिसे सुरक्षित रखने के लिए ग्रामीणों द्वारा बकायदा करीब 25 साल पहले लाखों रुपए लगाकर बाउंड्री वॉल तक करवा दी गई। यही नहीं, बस स्टैंड के लिए सरकार द्वारा जमीन भी आरक्षित कर ली गई, लेकिन दोनों ही जमीनों पर पिछले कुछ समय से भूमाफियाओं की नज़र पड़ गई और यहाँ पर प्लॉट काटने का सिलसिला शुरू हो गया। इसके विरोध में गांव के लोग आज चित्तौड़गढ़ पहुँचे तथा जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया, जिसमें भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए उक्त जमीन गांव के उपयोगार्थ रखने का आग्रह किया गया। थाना पंचायत की मालनखेड़ी गांव की जो चरागाह जमीन है, एक जमीन है जो विगत गहलोत साहब सरकार पहले उन्होंने यहां पे आकर के घोषणा की थी और उन्होंने बस स्टैंड के लिए आरक्षित की थी जमीन। गंगा घाट माली समाज के मंदिर के उद्घाटन में पधारे थे माननीय गहलोत साहब, जो अभी वर्तमान मुख्यमंत्री जी है, उनके द्वारा यहाँ पर एक जमीन को आरक्षित करके इन बस स्टैंड के लिए आरक्षित किया गया था। एक जमीन गांव की जो चराका की जमीन है, गांव वालों के उपयोग के लिए वो रखी गई है, उसको प्रभावी लोग मिलकर के उसको फुट फुट करना चाह रहे हैं और बस स्टैंड की जमीन को भी फुट फुट कर दिए और बेस कीमती जमीन होने के कारण ये लोग इनको प्लॉटिंग करके इन बेचना चाह रहे हैं। तो हम गांव वाले और पूरी ग्राम पंचायत क्षेत्र के लोग ये चाहते हैं कि जमीन यथावत रहे, सुरक्षित रहे, बस स्टैंड की जमीन बस स्टैंड के लिए काम में आवे, ये हमारी भावना है। और जो जमीन चरागाह की जमीन है वो चरागाह ही रहे, परिवर्तन नहीं हो, जिसकी की फाइल प्रभावी लोगों के द्वारा तैयार होकर के एसडीएम कार्यालय तक शायद पहुंच गई है, उसको रोका जावे। कलेक्टर साहब, जिलाधीश महोदय से भी हम यही आग्रह करेंगे कि आप उस फाइल को रोका जावे और हमारी जमीन जो गर्दाना पंचायत में चरागाह की जमीन है, चरागाह में ही यथावत रखें। बस स्टैंड की जमीन है तो बस स्टैंड की ही रखें।